हमको मिला है बिहार के एक हमारे माननीय सर कुशवाहा, क्या कहते हैं, महेंद्र जी हैं, जी उन्होंने दिया था। जी तो हम लोग जो है ये तलाश में ढूंढ रहे हैं लोगों को कि हमारी समस्याओं का समाधान कैसे हो, हम सब कैसे करें। तो उसमें उन्होंने बताया कि एक आप आईपीएस अभी हैं या मतलब कि रिटायर हो चुके हैं? रिटायर हो चुके हैं। अच्छा जी, तो बताया कि आपके बारे में कि उन्होंने ऐसा कुछ एक योजना बना रहे हैं जिससे कि हम लोग समस्या दूर हो सकती है। तो हम समस्या लोग समस्या तो हमको बड़ा अच्छा हुआ अकेले क्योंकि हमके समस्या अकेले दूर नहीं होगी। जी। आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, हेल्थ का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, भोजन का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल जाएगा और समृद्धि का मौलिक अधिकार मिल जाएगा। अपराध जी मुक्त भारत भी मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिलेगा, टैक्स सही जी जी मुक्त भारत भी मिलेगा और कर्ज मुक्त भी भारत मिलेगा। जी 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 तो ना तो आपको जो है समस्या तो छोड़िए, जी जी आपको सभी तरीके के निदान अपने आप आपके पास पहुंच जाएंगे। जी 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 आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। हम साहब 2018 में बीआरएस लिए हैं और हम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बॉम्बे में न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे हैं वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी बनाने का के सबसे सीनियर अधिकारी के रूप में मैं जाना जाता हूँ। अच्छा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ढेर सारे साइंटिस्ट मारे गए हैं, उनकी हत्या हुई है या एक्सीडेंट दिखाया गया है, जी। आपकी क्या धारणा है उसके बारे में? देखिए साहब, हैं सच्चाई तो पुलिस, आप लोग पुलिस वाले हैं, वही रिपोर्ट बनाएंगे क्या हुआ, सच्चाई क्या है क्या नहीं है। मरे तो हैं लोग और ऐसे तो मरते नहीं लोग, तो कोई न कोई एक तो ऑफिशियल मेंटल टॉर्चर भी होता है, कभी फैमिली का भी होता है। तो एक्चुअली कहानी दोनों तरफ से भी है, सच्चाई के बारे में कोई भी जब तक वहाँ कोई इंडिविजुअल ना बता पाए मतलब पता लगाना मुश्किल है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना होती है। मानसिक प्रताड़ना कौन करता? अब कुछ विभागीय होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट के उनके बॉसेज होते हैं, क्योंकि वहाँ सारा कुछ विभाग बॉस के अंडर होता है, बॉस जैसा चाहेगा वैसा होगा, आपके करियर को बर्बाद। कुछ लोग करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, उस करियर को पाने के लिए कुछ भी करते हैं और उसमें कभी कभी उनके साथ बड़ा अत्याचार हो जाता है, वो झेल नहीं पाते। तो जब झेल नहीं पाओगे तो मानसिक प्रताड़ना का, जैसा कि मैं शिकार हुआ और मैं तो बच गया, मैं तो रोज के छोड़ दिया। मतलब एक समय ऐसा आया कि मैंने सीधे लेटर लिखा डिपार्टमेंट को कि साहब मुझे तुरंत उचित काम दिया जाए जिसके लिए मुझे यहाँ लाया गया है, लिखित में जो आपने दिया है, नहीं तो मुझे तुरंत बीआरए दे दीजिए। हम 2 साल से केवल यही ढूंढ रहे हैं कि हम काम क्या करना है, और अपने सीआर में यही लिख रहा हूँ कि मुझे मैं काम ढूंढ रहा हूँ, अभी मुझे काम ही नहीं मिला है, तो मैं नौकरी क्या कर रहा हूँ, पैसा क्यों ले रहा हूँ तनख्वाह। तो मेरे साथ 2 साल तक ये भयंकर प्रोग्राम हुआ जिसमें मुझे, मैं अपने सीआर में लिख रहा हूँ कि इस साल में सारा साल मैं केवल काम ढूंढ रहा हूँ, काम नहीं मिला, अगले साल भी मैं अपने किस काम ढूंढूंगा, ऐसा सीआर लिखता था मैं। तो और सब मुझे बीआरएस लिख के एप्लीकेशन डालना पड़ा, और सरकार भी देखिए कितनी कमी है कि हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च करके, इतना अनुभव दिला करके, सीनियर मोस्ट बना करके, फिर उसने हमको एक झटके में बोला नहीं ठीक है जाओ, आपको काम नहीं दे सकते, जबकि मैंने कहा कि मुझे काम दीजिए जिसलिए आपने मुझे भेजा ये है। सरकार कौन है? सरकार यही है जो हमारे ऊपर जो अधिकारी हैं, जो जिस विभाग में काम करते हैं, अधिकारी से शुरू होता है जस्ट इमीडिएट बॉसेस, और उनके ऊपर बढ़ते हुए हमारा जो है दिल्ली में बैठे हुए मंत्री मंत्रालय है, और मंत्रालय के ऊपर संसद है, बहुत संसद सुंदर। मतलब संसद नहीं, ये मतलब क्या कहते हैं, मंत्री मंत्री लोग हैं और राष्ट्रपति हैं, तो यही हमारी जो सरकार है जो मंत्री या राजनेता हैं जी, यही सरकार है, ये कौन लोग हैं? इन्हीं को हम लोगों ने बनाया है जिसे वी द पीपल आप कहते नहीं हैं। नहीं 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 आपने बिल्कुल नहीं बनाया है, ये भ्रम है और ये दुष्प्रचार है। जी, क्या आपने उसे टिकट दिया? नहीं दिया। तो नहीं आपने नहीं कैसे बनाया है? आपने नहीं बनाया है। जी एक दुष्ट व्यक्ति जी जाति समीक जाति धर्म संप्रदाय
जी और संक्षिप्त राजनीति के दायरों में जी जीतने की संभावना तलाशते हुए और उसे जी जीतने की संभावना जी बाहुबलियों में और अपराधियों में दिखाई दे रही है, और जी बाहुबलियों और अपराधियों को वरीयता देते हुए करोड़ों जी रुपए लेके उनको टिकट दिए जाते हैं, और जी फिर ये सही करोड़ों रुपए देने के बाद जो टिकट मिलता है जीतने के लिए भी ये करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और वो बिल्कुल करोड़ों रुपए जो खर्च करते हैं वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो जी चाहे बिल्कुल पैसे बांटा जाए, चाहे दारू बांटी जाए, चाहे साड़ी बांटी जाए या जी ग्रेवी बांटी जाए, सही जी मायने में वो अपराध है। तो जी बिल्कुल एक अपराधी अपराध करके जीत रहा है, सही आपके वोट से जीत रहा है, आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉलिटिकल पार्टी के पार्टी व्हिप से बना हुआ एक बिल्कुल अत्यंत ही मजबूर प्राणी है जिसे आप सरकार कह रहे हैं। जी सही आपसे बिल्कुल एकदम आपने सही पॉइंट को पकड़ा जी, एकदम करेक्ट पॉइंट जो है यही है जो मैंने मैंने जो पाया आपने जो बताया। मैंने जब वहां से नौकरी छोड़ी कोर्ट कचहरी में, उसके पहले बहुत कोर्ट केस लड़ रहा था, तो मैं सोचता था कोर्ट न्याय मिलेगा हमको। वहां की जब झटका खाया तो फिर गांव में आया, देख रहा हूँ तो यहाँ भी लोग जो जिनकी उम्मीद करता हूँ कि वोटर हैं, इनके पास प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रतिनिधि किसको चुनेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो असली प्रतिनिधि नहीं जा रहा है, मतलब एक बीच में खेला हो रहा है, तो हम क्या तो करें? मतलब यहाँ समस्या यही कि हम हमारे असली आपको असली प्रतिनिधि नहीं जा रहे हैं। एक बहुत सरल मॉडल दे रहे हैं जो 9 दिन में चमत्कार कर सकता है, और इन्हीं माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखो, जब तक हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को विवश नहीं करेंगे तब तक आपके सपनों का महापरिवर्तित भारत जिसमें 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट मिलेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी आपको नहीं देने वाले, नहीं वो तो नहीं देंगे, वो राइट? तो करेंगे लेकिन नहीं देंगे लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 2024 से 2029 तक तो यही रहने वाले हैं, जी। हाँ ये तो पक्का तो इन 5 सालों में जी। हमें क्या करना चाहिए? ये 9 दिन का ये सरल मॉडल आपको 9 दिन में 100 करोड़ में पहुंचा देगा, और फिर आप माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं जाएंगे, आप छत पर चढ़कर थाली बजाकर 21 लक्ष और 5 फंडामेंटल राइट का जो है बिगुल बजाएंगे, और माननीय नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ इतनी सी प्रार्थना करेंगे कि 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल के राइट के लिए आप 26 टास्क फोर्स बना दीजिए जिसके विद्वानों को खोजने की जिम्मेवारी हमारी होगी, राइट? जी बिल्कुल सही और इनके मॉडल्स ऑलरेडी बनी हुई है, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनी हुई है, ये जो टास्क फोर्स है इनका काम केवल उसे रिफाइन करना होगा। हमारा तो यहां तक कहना है कि हम कानून बनाने का जो अभी तरीका है ये बेहद ही रिस्की तरीका है। तो आप कहेंगे साहब इसमें रिस्क क्या है? देखिए, आप पार्टी व्हिप से बंधे हुए मजदूर हैं, मजबूर व्यक्ति हैं, एक अंतरराष्ट्रीय शक्ति आपके हाई कमांड को डराकर धमकाकर जो ड्राफ्ट चाहे वो उस तक पहुंचाकर पार्टी व्हिप का यूज करते हुए आपके ऊपर थप जाएगा कि नहीं थप जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल थपेगा तो वर्तमान जो व्यवस्था है पार्लियामेंट्री और ये जो हाई कमांड की व्यवस्था है, ये अंतरराष्ट्रीय शक्तियों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे रही है मैनुपुलेशन का। जी बिल्कुल तो फिर उसका निदान क्या है वर्मा जी, क्या निदान है? तो उसका निदान हमने अपने मॉडल में रखा है, वो है कि कोई भी लॉ पार्लियामेंट में पेश ही नहीं किया जा सकता है अनलेस इस पासेस थ्रू द 3 फेजेस, और इसकी व्यवस्था हम जो बिजनेस रूल होता है उसमें कर देंगे। जो बार बार जो है ना हमारे स्पीकर महोदय एक किताब का बिजनेस रूल का हवाला देते हैं ना कि रूल में ये लिखा हुआ है, मैं उसी उसी बिजनेस रूल को अमेंड करने की बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आप कर रहे हैं सही है, तो करना है। इसमें इसमें जो है ये 3 प्रक्रियाओं से गुजरेगा तब पार्लियामेंट में पहुंचेगा। तो किसी भी अंतरराष्ट्रीय शक्ति के लिए ये संभव नहीं होगा कि आपकी हाई कमान को भ्रष्टाचार के माध्यम से डरा कर धमका कर ब्लैकमेल करते हुए आपके ऊपर कोई गलत चीज थुप जाए, और आप कोरोना जैसे वायरस के जो है ना वैक्सीन लगाकर कितने सारे लोग जो है वो मर रहे हैं, इसका ये भी एक जांच का विषय है, ठीक है ना?
जी जी ऐसी जो है ना बहुत सारी विपत्तियां आपत्तियां आती रहेंगी जिसे हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, जिसमें WHO से लेके हर व्यक्ति जो है जी। उसकी सहभागिता हो सकती नहीं नहीं जी बिल्कुल सही है कि जी। नहीं है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहते हैं कि यदि आग होती है तो वहां धुआं भी उठता है, तो धुआं ये बता रहा है कि आग कहीं लगी थी, है जी। ना। तो इस मॉडल में तीन चीजें हैं, कोई भी नियम कानून उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के साथ, और वो भी विभिन्न जगहों पे बैठे हुए एक्सपर्ट्स लाइव डिस्कोर्स करेंगे, और इसके बाद जो है वो अपनी सलाह देंगे रिफाइनमेंट की। तो पहला रिफाइनमेंट जो है इन विशेषज्ञों की राय के आधार पर होगा। जी, जब बिल्कुल सही। विशेषज्ञ जो है लाइव डिस्कशन कर रहे होंगे तो जनता भी उसे सुनेगी, उसे सुनकर जनता के दिमाग में भी कुछ शंकाएं कुशंकाएं कुछ सलाहें आएंगी। तो उनके फीडबैक। ये काम 45 दिन तक चलेगा, विशेषज्ञ का तो केवल 15 दिन तक चल रहा है। ये आम जनता से जो लाइव डिस्कोर्स होंगे और हर रीजन्स में होंगे और उसको वाइड पब्लिसिटी दी जाएगी और वो सब लाइव डिस्कोर्स होगा, तो उसके दौरान जो शंकाएं कुशंकाएं जो सलाहें आई जाएंगी उनको जॉट डाउन किया जाएगा और उन पर विचारण करके सेकंड डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट होगा। फिर जो ये इस मॉडल के तहत 543 चंद्रगुप्तों को जिताने की व्यवस्था है, तो ये चंद्रगुप्त जो है पार्लियामेंट के बाहर बैठ के बात करेंगे, और क्योंकि हमने पब्लिक की राय पहले जान ली है तो इन चंद्रगुप्तों को पब्लिक का मसीहा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक तो अपनी बात कह चुकी है, राइट। तो वो अपनी व्यक्तिगत राय देंगे, और व्यक्तिगत राय भी उनकी गलत होगी तो लोग बाग उन पर सड़े टमाटर फेंकेंगे, फेंकेंगे नहीं। तो इस तरीके से जब ये तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट हो जाएगा तब कोई चीज पार्लियामेंट में पहुंचेगी। पार्लियामेंट में कोई पार्टी व्हिप होगी नहीं, एक एक सेक्शन पर विचार होगा और एक एक सेक्शन पास होगा। अब बताइए जो 15-21 महालक्ष्य और जो 5 फंडामेंटल राइट हैं जिनके मॉडल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, वो रिफाइन होकर आपके कानून लॉ ऑफ लैंड बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, राइट। तो अब मुद्दे की बात है कि वो 9 दिन का सरल उपाय क्या है और मिस्टर वर्मा की उसमें क्या सहभागिता हो सकती है, क्योंकि वर्मा साहब तो अभी भी, सही सही शब्द बोलेगी। सहभागिता क्या होगी? ठीक है ना। तो मिस्टर वर्मा की दो सहभागिताएं संभव, एक है एज ए एक्सपर्ट, तो वो जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी टास्क फोर्स नहीं बनाते हैं तो मैथिली सेनगुप्त की टास्क फोर्स के सदस्य बन जाएं और उन मॉडल के रिफाइनमेंट पे अपनी एनर्जी दें, ठीक बिल्कुल है ना। अब मान लो वर्मा जी जो है किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं है, तो वर्मा जी को अनावश्यक जो है उन चीजों को समझा के मानसिक वेदना देना बेकार की बात होगी। जी बिल्कुल सही तो फिर वर्मा जी का जो दूसरा काम हो सकता है वो लोगों को जोड़ने का है, और इसके लिए एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। अच्छा जी। और ये क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप जो है ये बड़ी आसानी से इस तक पहुंचा जा सकता है। इसके कई तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि मैं लगातार वीडियो ऑडियो बना के भेज रहा हूँ और हमारे हर संदेश में उस ऐप की लिंक होती है। दूसरा तरीका है कि क्राइम फ्री भारत मिशन हर जो है सोशल मीडिया से जुड़ा है, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, राइट, यूट्यूब। तो जैसे यूट्यूब में यदि आप क्राइम फ्री भारत लिखेंगे तो आपको हमारी चैनल मिल जाएगी जिसमें 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के लिए आप जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो ऐप कहाँ मिलेगा? वो ऐप आपको मिलेगा हर वीडियो में, किसी भी वीडियो को आप खोलेंगे अच्छा तो वहां मिलेगा। टाइटल के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, तो हमारा जहाँ नाम लिखा है उसके जस्ट ऊपर हमने लिंक दी है जिससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोड किया जा सकता है, अच्छा ठीक है ना। तो दो तरीके हमने आप बता दिए। फिर तीसरा तरीका है ये कि मोबाइल ऐप आप बनाए हैं आप लोग? है ये मोबाइल ऐप बनाए हैं?
ये हाँ क्राइम फ्री भारत का ऐप है, कुटुंब के द्वारा, कुटुंब ऐप के द्वारा अच्छा अच्छा कॉमन है, कुटुम्ब ऐप से बनाया गया है। अच्छा एम्पावर्ड है। हाँ अच्छा ये अच्छा नाम अच्छा उसका क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप है, ठीक हाँ, है मतलब उसी ना। से लिंक किया गया है कुटुम्ब वाले। उसी से लिंक किया गया है, क्योंकि कुटुंब ऐप लोगों को जोड़ने का बड़ा आसान तरीका दे रहा है, और जी वो हमें इस बात को भी आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहा है कि आप जी किसको जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप जी जितने लोगों को जोड़ेंगे उसकी मेरिट लिस्ट के आधार पर आप जी चंद्रगुप्त बनेंगे, राइट। तो जी ये जी ऐप में बड़ी अच्छी बात है कि ये आपकी लिंक को जो है ना कंस्ट्रक्ट करता है, तो एक मैसेज भी बनाता है और एक आपकी लिंक को कंस्ट्रक्ट करता है, राइट। आप उसे जिससे भी शेयर करेंगे, तो शेयर करने के उसमें तीन तरीके दिए हैं, एक शेयर ऑन व्हाट्सएप, दूसरा कॉपी लिंक करेंगे तो वो जो है जहां पे भी आप उसे पेस्ट करेंगे वहां पर वो जो है ना पूरा मैसेज अलोंग विद द लिंक पहुंच जाएगा, और तीसरा है शेयर ऑन मीडिया, तो आप सीधे जित किसी भी सोशल मीडिया पर, लिंक्डइन से लेके, ट्विटर से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, फेसबुक से लेके, यूट्यूब से लेके, जहां उसको आप भेजना चाहते हैं वहां भेज सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इसमें सुविधा बहुत दी गई है, राइट। अब यदि आपके लिंक से कोई जुड़ता है तो रेफरेंस में आपका नाम आ जाएगा, एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए 100 नंबर मिल रहे हैं, जी, पॉइंट मिलते हैं जी राइट। और यदि जो है आप 10 लोगों को जोड़ देंगे तो ये ऐप आपको जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है आपको जिला अधिकारी बना देता है, यदि आप 50 लोगों को जोड़ देते हैं तो राज्य अधिकारी बना देता है, और यदि 100 लोगों को जोड़ देते हैं तो राष्ट्र अधिकारी बना देता है, और ये एक मेरिट लिस्ट भी बनाता है, तो जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उस मेरिट लिस्ट के आधार पर, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं मानते हैं, वैसे तो उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि जब 100 करोड़ लोग उनका समर्थन करेंगे और आपको अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, टैक्स मुक्त, कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है, और पांच फंडामेंटल राइट भी मिल रहे हैं, आपको एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था भी मिल रही है, आपकी जनसंख्या भी नियंत्रित हो रही है, और आपको समृद्धि भी मिल रही है, यदि इतना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी कर देंगे तो अभी 240 से 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे, हाँ या नहीं। नहीं कर यदि तो कर देंगे तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन मतलब कर देंगे तब ना। अच्छा, अब सवाल उठता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं करते हैं तब आपके पास क्या विकल्प? मतलब वो तो नहीं करेंगे, ऐसा हमें पूरी तरह वो है कि वो कर ही नहीं सकते। नहीं, वो 200% करेंगे, यदि उन्हें अपना लाभ समझ में आ गया कि साहब इतनी बड़ी फौज हमारे पीछे आ जाएगी, और फिर ये जो छोटी मोटी पार्टियां जो हमें ब्लैकमेल कर रही हैं, ये ब्लैकमेल करने की बजाय हम इसे डिजॉल्व करके और दोबारा चुनाव कराएंगे और 500 पार कर जाएंगे, तब तक जो है ना वो सभी घोषणाएं और वो सब काम कर देंगे, ठीक है ना। अब अपन फिर भी मानते हैं आपकी बात से सहमत होते हुए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तो नहीं करेंगे, ये मान लेते हैं। तो वर्मा जी, फिर हमारे पास विकल्प क्या है? हाँ वही तो वही जाना चाह रहा हूँ ये मैं। व्यवस्था में वो विकल्प भी है, तो वो जी वही विकल्प वही क्या है कि जी जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले ऐसे 543 चंद्रगुप्त जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगी, उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उन्हें चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये चंद्रगुप्त तो क्या क्या है, ये सर्टिफिकेट क्या है, ये समझा ये नहीं मुझे चंद्रगुप्त जरा। वो है जिसने अखंड भारत का निर्माण किया था, यहाँ पर भी हम 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के साथ अखंड महाभारत का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें आगे चल के पूरा विश्व ही समाहित हो जाएगा। जब आप इतना अच्छा भारत देंगे, इतना अच्छा वो देंगे, तो विश्व का हर देश नहीं चाहेगा कि हम इतने अच्छे क्यों ना बन जाए, तो धीरे धीरे इसमें पूरा विश्व ही समाहित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चंद्रगुप्त जो है, अभी तो हमने उन लोगों को चंद्रगुप्त कहा है, चाहे वो जो है उनको सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो चाहे ना, उससे कोई लेना देना नहीं है, जो इस संगोष्ठियां करके, चाय पे आमंत्रित करके, भोजन करके, जो भी मेथोलॉजी अडॉप्ट करे, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 100 करोड़ तक पहुंचने में हमारी मदद कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं। और मैथिली शरण गुप्त और अपराध मुक्त भारत मिशन उसके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट उसके घर पे पहुंचाएगा,
तो उसे टिकट पाने के लिए किसी की चमचागिरी नहीं करना पड़ेगी, मैथिली शरण गुप्त की भी चमचागिरी नहीं करना पड़ेगी, और जी टिकट मिलना उसके हाथ में है। कि मैथिली शरण गुप्त के हाथ में, कि उसके हाथ में है, जी 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 किसके हाथ में है? मतलब हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है, क्योंकि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, मेरिट लिस्ट बनाएंगे बनाएं। तो आपके हाथ अच्छा। मिलेगा जितना बनाओगे, और आप ट्रेंडिंग पे जाके देखेंगे तो आपको अपनी मेरिट लिस्ट भी देखेगी, आपके कितने नंबर है ये भी देखेगा, राइट। तो आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। हालांकि वो मेरिट लिस्ट थोड़ी सी डिफेक्टिव है, क्योंकि वो जो है ना कुटुंब ने अपने फायदे के लिए बनाई हुई है, हम केवल लोगों को जोड़ने के आधार पर उस मेरिट लिस्ट को रिडिफाइन करेंगे, राइट। तो उसमें पोस्ट भेजना ये भेजना इसके जो नंबर है वो नहीं मिलेंगे, जी जी राइट। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहा हूँ। तो अब सवाल ये उठता है जी कि 543 लोगों के पास टिकट पहुंच गया, और हम 100 करोड़ लोग जो कि 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए कृत संकल्पित हैं, जो अपने अपने दायरे में जाति से बंधे हो सकते हैं, धर्म से बंधे हो सकते हैं, संकीर्ण राजनीति से बने हो सकते हैं, लेकिन इन सबसे ऊंचे उठते हुए हमने अपने आप को एक चीज से बांध लिया कि हमें 21 महालक्ष्यों सहित महापरिवर्तित भारत और 5 फंडामेंटल राइट कैसे मिलेंगे। तो ये 100 करोड़ लोग इन चंद्रगुप्तों को विजयी बना देंगे कि नहीं बना देंगे? ये चंद्रगुप्तों को क्या अपने लिए वोट मांगने किसी के दरवाजे पे जाना होगा क्या? नहीं, जरूरत नहीं। अगर उनके सदस्य मेंबर हैं तो वो क्या जरूरत जाएंगे? नहीं नहीं, वो तो ये तो ऐसा हिस्सा है कि वो आपके वोट पे, आपके घर पे वोट मांगने नहीं जाएंगे। भाई साहब मैं खड़ा हुआ हूँ, वो तो खड़े ही नहीं हुए, आपने टिकट दिया उनको, वो कहाँ खड़े हुए? नहीं, वो तो खड़े नहीं हुए, आपने टिकट दिया जबरदस्ती, और ये सब आश्रय पे दिया कि ना भैया आपको अपना लीफलेट बनाना होगा, ना होर्डिंग बनाना होगा, ना किसी के दरवाजे पे वोट मांगने होगा। तो वो 543 में कोई भी जाने वाला नहीं है, और बाकी लोग आपको जो ना उनमें ना औकात है, ना हिम्मत है, ना सोच है, ना चिंतन है, वो आपको फ्री भी तो दे सकते हैं, लेकिन महापरिवर्तित भारत देने की उनकी औकात नहीं है। तो ये 100 करोड़ लोग जी, 543 लोग जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे, वो भी बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी पैसे के? जी जी। फिर जो प्रार्थना माननीय नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं वो हम खुद पार्लियामेंट में बैठ के कर देंगे, जी। फिर हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की क्या जरूरत है? जी जी। मॉडल तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनाया है, जी जी जी। टेक्नोलॉजी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनाई है, जी हमने बनाया जी। जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो जो है ना भारत वर्ष के विशेषज्ञों को बुला के टास्क फोर्स गठित करके उसको रिफाइन करते हुए जो मेथोडोलॉजी बताई है उसके माध्यम से उसे हम अपने कानून का हिस्सा बना देंगे, जी जी जी, देश बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? देश का इकोसिस्टम बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? नहीं, इसके, जी जी, इसके लिए आपको इन नेताओं की जरूरत क्यों है जिनका ना सोच है, ना चिंतन है, ना शिक्षा है, ऊपर से बाहुबली हैं, अपराधी हैं, अत्याचार करते हैं, इतना अत्याचार करते हैं और इतना खौफ बना के रखा है कि जेल के अंदर से जीतते हैं ये? जी जी। जीते हैं कि नहीं जीतते हैं? तो मिस्टर वर्मा ये बताइए जी, आपको कुछ समाधान दिखा है? नहीं, कुछ नहीं, बहुत दिखा है, इसमें छोटे छोटे सवाल बनेंगे हमारे, और समाधान जो आप सोच रहे हैं इसी दिशा में हम लोगों ने भी सोच करके एक प्लान मॉडल बनाया है, और हमारा भी मॉडल ये है कि जीरो एक्सपेंस इलेक्शन सिस्टम। ये 21 महालक्ष्यों में एप्स इलेक्शन अरेंजमेंट है जिसके तहत आपको इन्फॉर्म्ड वोटिंग मिलेगी, और आज आपको ना कहीं पे जो है ना एसपी कलेक्टर को लगाना पड़ेगा, और कोई गड़बड़ नहीं करेगा वो, आप वोटिंग करेंगे तो आपको वोटिंग का भी जो है ना सर्टिफिकेट देगा कि आपने किसको वोट दिया है, क्योंकि वो सीक्रेट बैलेट है, जिसने वोट दिया उसको सर्टिफिकेट में क्या प्रॉब्लम है कि आपने किसको वोट दिया? जी जी, जी। बात समझ रहे ना, इट इज सीक्रेट टू अदर्स, नॉट टू द पर्सन हु इज वोटिंग। उसने तो वोट दिया ही, उसे तो मालूम है, उसे सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ मैंने इसी को वोट दिया। जी जी जी। और यदि कोई व्यक्ति जो है वोट नहीं देता है तो उसको हर बार, हर दिन, दिन में 4 बार रिमाइंडर आएंगे। जी जी। और यदि वो जो है ना, जो वोटिंग विंडो 45 डेज की होगी, उसमें वो यदि वो नहीं करता है तो उसको भी एक नॉन वोटिंग सर्टिफिकेट मिलेगा कि यू हैव नॉट परफॉर्म्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगले चुनाव में जब तक आप वोट नहीं दे देंगे तब तक आपको हर चीज में आपका नाम हर जगह टैग कर दिया गया है, यू हैव टू पे 10% मोर। तो आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो 10% ज्यादा फीस लगेगी, यदि आप बस में चलेंगे तो 10% किराया ज्यादा लगेगा, आप यदि अस्पताल में जाएंगे तो 10% आपका इलाज का पैसा ज्यादा लगेगा। जी जी जी। तो आपको
चुनाव जब होगा होगा, आपको रोज बुरे बुरे सपने आएंगे, और जब अगला चुनाव घोषित होगा तो हमने तो 45 दिन की जो है ना वोटिंग विंडो रखी है, आप 48 घंटे के अंदर वोट दे देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, वोट देने के लिए जो कोई तरीका लगाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें जो लोग फ्री में होंगे उनके बारे में जो है ग्रिलिंग होगी, क्योंकि उसमें कोई दूसरा प्रचार नहीं कर सकता है, तो आपको अपनी बात जो है वीडियो से कहना है, फिर उसमें आपका जो आपने कहा उस पर ग्रिलिंग होगी, और जो ग्रिलिंग की जो मुख्य चीजें हैं वो उसी ऐप के माध्यम से आपको परोसी जाएंगी, और फिर आपका छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा। यदि आप टेस्ट में फेल हो जाएंगे तो एक पार्टी आपके पास पहुंचेगी, एक फर्म पहुंचेगी जो आपको एजुकेट करेगी, और जब आप आपको उसमें पास कराएगी तब जो है आप वोट दे पाएंगे। जी, तो इन्फॉर्म्ड वोटिंग होगी। आप कोई दूसरा आपका प्रचार नहीं कर पाएगा, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने पार्टी के लोगों का या किसी का प्रचार नहीं कर पाएंगे। जी, राइट, जी जी, बिल्कुल सही। तो बताइए, एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था हो गई कि नहीं हो गई? जी जी जी, तो ये हमारे बहुत सारे वीडियोज हैं कि एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था, जो इसमें आप पांच क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, और क्या कहते हैं 21 महा कुछ बता रहे हैं, 21 महालक्ष्य, महालक्ष्य, हाँ, जिसमें पानी जो है ना, जिसमें पानी 9 फीट पे आ जाएगा, पेड़ों की संख्या 3 गनी हो जाएंगी, फलदार औषधि वाले सुगंध वाले और प्रोटीन रिच फॉडर वो जो है ना उसके पेड़ लगेंगे। जी जी जी, और एक्वा कल्चर, हर जगह जो खाई खोदी जाएगी पानी को अंदर ले जाने के लिए, उसका एक्वा कल्चर के लिए यूज होगा। उसके बगल में जो ना 4 तरीके के पेड़ होंगे, और एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी जिसमें गायें होंगी, गायों की संख्या 10 गुना होगी, उनके उनके जो है ना मसाजिंग की, उनकी धुलाने की नहलाने की मशीन होंगी, उनको सजा के उनकी पूजा की जाएगी। और हम कृष्ण भगवान को तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान की मधुर वासनी, वासनी का जो है ना संगीत और मंत्रों के बीच में वो गायें विचरण करेंगी, तो वो मंत्रमुग्ध होकर उनका गाय की जो क्वालिटी, गायों की पूजा करवाएंगे। ओ बिल्कुल, और वो भी पैसा लगेगा, जो पूजा करना चाहता है, गाय के साथ समय बिताना चाहता है, सजी संधि गायों के बीच में जो है ना एक जगह रहेगी जहां पर आप जो है ना उनकी पूजा कर पाएंगे, आप उनके साथ समय बिता पाएंगे, उनके ऊपर हाथ फेर पाएंगे, लेकिन ये कोई भी चीज मुफ्त में नहीं कर पाएंगे आप, इसके लिए भी पैसे लगेंगे। वो तो मंदिर में ज्यादा पैसा लगता है ना, मंदिर में जाते हो दर्शन के लिए पैसा लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुफ्त में दर्शन मिलते नहीं है। बिल्कुल, आज तो की आज मंदिर की जगह पर गाय को रखवा देंगे तो वहाँ गाय की पूजा होगी, लोग जाएंगे पैसा देंगे। आज की गाय की जो है जो दुर्दशा हो रही है, वो घूरे पे बैठी हुई है, कचरा खा रही है, पॉलिथिन खा रही है, और बुरा हाल हो रहा है, रोड पर बैठी हुई है, वो गायों जो है ना वो तो वो वाली गाय होंगी जो कृष्ण भगवान जैसी गाय है, और सभी देसी गाय होंगी। और इन कृष्ण भगवान वाली गाय कैसी होती है ये हम जानना चाहते हैं, हमको तो वो पता हमारी देसी गाय है, वो कृष्ण भगवान वाली गाय है जिसमें बंप होता है, क्योंकि वो बंप वाली गाय जो है वो अल्फा 2 वैरायटी का मिल्क देती है। वर्मा जी, आपको जानकारी है आप 16 करोड़ लीटर दूध ही पैदा कर रहे हो, और जब सब लोगों को दूध नहीं मिल रहा है तब भी आप 64 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम कर रहे हो प्रतिदिन। जी जी, सही है, प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध जो है नकली हानिकारक केमिकल से बन रहा है जिससे कैंसर हो रहा है। जी जी, यदि हमने जो हमारा 21 महालक्ष्य यदि हमने जमीन पे नहीं उतर पाए तो वर्मा जी 10 साल में भारतवर्ष की 66% पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित होगी। कौन बचाएगा आपको, आपको कौन बचाएगा? जी जी जी, तो उसमें है कि ना तो आप हार्मफुल केमिकल्स को जो है ना पैदा कर पाएंगे, ना इंपोर्ट कर पाएंगे, आपका पानी जो है वो लीचिंग की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अभी सीवेज से हमने उसको जो पॉल्यूट कर रहे हैं, सीवेज इज नॉट ए नेगेटिव थिंग, सीवेज इज ए रिच मैन्योर एंड मीथेन, तो हम ये कह रहे हैं मीथेन और रिच मैन्योर को निकाल के हम दोनों जगह यूज कर लेंगे, बाकी पानी को फिल्टर करके नदी में नेचुरल चीजों में बहाया जाएगा, उसे प्योर करके उसको पानी आपको नहीं भेजा जाएगा, वो उसे नेचुरल प्रोसेस से प्यूरिफिकेशन का और मौका दिया जाएगा। बताइए आप जो है पानी, आप वाटर रिच हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जगह जगह पे स्टॉप डैम होंगे, स्टॉप डैम से जो है ना पानी का जो है ना व्यवस्था होगी, उसमें जो है जो वाटर बॉर्न एक्वा कल्चर होगा जिसमें सिंघाड़े होंगे, मखाने होंगे, सब कुछ होगा,
जहाँ मछलियां भी होंगी, तो वो जो है, और इसको हम राष्ट्रीय संपदा कहेंगे, और राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए धन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जितनी हम राष्ट्रीय संपदा निर्माण करेंगे उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो जिस तरीके का जो है, मैं 5 फंडामेंटल राइट दे रहा हूँ, भारत सरकार का 1 पैसा खर्च नहीं करेंगे। जब भारत सरकार का 1 पैसा खर्च नहीं हो रहा है तो भारत सरकार के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? जी 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 फिर तो भारत सरकार के पेट में दर्द होना दुष्टता कहलाएगी। फिर जो सत्ता में बैठे लोग जो है वो देशभक्त नहीं कहलाएंगे, दुष्ट कहलाएंगे। जी बिल्कुल सही। जो हमारे विरुद्ध करेंगे उनको दुष्टी कहेंगे ना? नहीं, हमारे विरुद्ध नहीं, जो अच्छे भारत के विरुद्ध में है वो दुष्ट है। हमारी तो अपनी कोई पहचान ही नहीं है, हमारी तो पहचान हमने विलुप्त कर दी है 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट में। नहीं, जो 21 जो 5 फंडामेंटल राइट है, क्या उसको हमसे कोई लेना देना नहीं है? अरे आपसे ही लेना देना है। आपको जो है ना एम्प्लॉयमेंट का जो है ना फंडामेंटल राइट मिल रहा है, आपको हेल्थ का फंडामेंटल राइट मिल रहा है, आपको फूड का फंडामेंटल राइट मिल रहा है, आपको एम्प्लॉयमेंट का फंडामेंटल राइट मिल रहा है, हम आपको प्रॉस्पर्टी का फंडामेंटल राइट दे रहे हैं। लोग तो कहते हैं आप गरीब नहीं रहेंगे, हम उल्टा कह रहे हैं आप समृद्ध होंगे। जी जी, और वो भी फंडामेंटल राइट के तहत। तो 5 क्या क्या है इसमें? शिक्षा पहला है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है फूड, चौथा है एजुकेशन, और 5वां है प्रॉस्पेरिटी, और 6वां है राइट, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। क्योंकि हम एक बड़ा कानून ला रहे हैं, वो है सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी। आज दुष्ट लोग जो है ना प्राइवेसी एंजॉय कर रहे हैं, और जिसके जिसके जो है ना गले से चाहे वो जो है ना वो कर लें, जिसका चाहे रेप कर दें, जो चाहे वो करें। तो यदि आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो आपकी आइडेंटिटी सर्टेन करेगी टेक्नोलॉजी। जी जी। और यदि वो सर्टेन नहीं कर पाएगी तो आपको मैसेज देगा कि हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, भाई साहब सामने आ जाओ। जी जी। नहीं तो आपको अभी अरेस्ट करने का हम आदेश जारी कर देंगे, जो अरेस्ट करेगा उसे 10,000 रुपए मिलेंगे और भारत सरकार के पास 20,000 रुपए पहुंचेंगे। जी 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 जी। अब बताओ, कोई भी आप कोई अपराध करने के लिए जो है ना, बदमाशी करने के लिए, मक्कारी करने की हिम्मत कर पाएगा? क्यों करेंगे भाई, कैसे करेंगे? कैसे करेगा, संभव ही नहीं है। जी, मैं आपको चुनौती देता हूं वर्मा जी, आप भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं नहीं न्याय से काम करेगा। पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी, हमारा सिस्टम का जो है ना डीप लर्निंग और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आपको जो है ना 7 सर्किट नीचे से पकड़ के लेके आ जाएगी और एविडेंस दे देगी। और हमारा जो सिस्टम कह रहा है कि बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज होगी, आपकी FIR जो है संगे असंगे और सिविल ऑफेंसेस में भी होगी। FIR दर्ज करने कराने पे पैसे मिलेंगे, गवाही देने पे पैसे मिलेंगे, और धोखे से यदि आपने झूठी रिपोर्ट या झूठी गवाही कर दी तो जेल में सड़ जाओगे। 15 दिन में वो अकाट साक्ष्य जो है ना संग्रहित हो सकेंगे अधिकतम, जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। और वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से जजेज, वकील और बाकी की संख्या बाध्य वो नहीं बनेगी, और डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल होगा, अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। आज आपको 30 साल में नहीं मिल रहा है। बहुत सही। फिर अच्छा, और 30 दिन में आपको जजमेंट नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो यदि कोई जज जानबूझ के गलत निर्णय देता है तो उसमें 2 तरीके की अपील का प्रावधान है, अपील अगेंस्ट द जज एंड अपील अगेंस्ट द जजमेंट। तो यदि कोई जज जानबूझ कर जो है ना गलत निर्णय दे रहा है तो जो आप अपील लगाएंगे वो अगेंस्ट जज लगाएंगे। जी, और उस केस में जज महोदय को खुद कटघरे में खड़ा होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि जुरू के सामने वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएगा तो डी पैनल हो जाएगा। जी जी जी। क्योंकि सभी जज है वो पैनल्ड होंगे बेसिकली, राइट राइट। तो डी पैनल बस इतना ही है, 2 मिनट में डी पैनल हो जाएंगे आप। जी, 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 और आपको गलत जजमेंट देने के लिए, क्योंकि आप अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, तो गलत जजमेंट देने के लिए आपको लाखों का हर्जाना भी देना होगा। जी, आप बताओ, ये जो जज आज लॉर्ड बने हुए हैं, जिनके अहम का कोई ठिकाना नहीं है, जो आपको विद्वान मान रहे हैं, जो कि राजनीतिकों को सरेंडर करके उनकी चापलूसी करके जो है ना जज बने हैं, वो आपने आपको भगवान मान रहे हैं, वो भगवान की बजाय जो है ना सही मायने में न्यायाधीश हो जाएंगे और अकाउंटेबल न्यायाधीश होंगे कि नहीं होंगे? जी जी बिल्कुल सही। तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान मेरे ख्याल से इस मॉडल में निहित है। जी जी। आप डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बनाए हैं इसका? कोई डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बना है, आप मुझे व्हाट्सएप पे हेलो भेजिए। जी जी, तो मैं आपको जो तो मैं आपको जो है वो डॉक्यूमेंट की कॉपी भेज देता हूँ। जी जी, जरूर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी हुई। और आपको जो है ना दूसरा तरीके का डॉक्यूमेंट लेने का एक दूसरा तरीका भी है। जी जी जी। वो तरीका है कि आप जो है किसी भी सर्च इंजन पे, गूगल क्रोम वगैरह पे क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल लिखिए। जी
जी तो आप जी हमारे वेब पोर्टल पे पहुंच जाएंगे जिसमें सभी तरीके के दस्तावेज हैं, सभी तरीके के वीडियोज हैं, सभी तरीके के जी प्रेजेंटेशन हैं। जी अपने पेज पर डॉक्यूमेंट देखो, अपने पेज पर प्रेजेंटेशन देखो। अच्छी बात जी। तो वर्मा जी, एक बार अपना पूरा नाम फिर से बताइए। राम मेरा नाम राम बच्चन ही है, यही ऑन रिकॉर्ड है, बच्चन वर्मा। राम बच्चन वर्मा नहीं अच्छा अच्छा वर्मा लिखते नहीं है। जी, वर्मा कहीं रिकॉर्ड नहीं है, अच्छा लेकिन ओके। वैसे हाँ हमको कुर्मी जात के लोग कहते हैं। नहीं, मैं जानता हूँ वर्मा कुर्मी होते हैं, मैं बात से जानता हूँ। तो राम बच्चन जी, आपको हमारी बात कितनी कन्विंसिंग लगी या आपको इसमें हाजमोला की इस जरूरत समय है? आपको एक दो सवाल आपसे ले लेता हूँ, हाँ है जो कि मेजॉरिटी हिस्सा तो मुझे कन्विंसिंग ही है, और लोगों से भी मैं जो लोगों से संपर्क करता था, मुझे सबसे कन्विंसिंग जो हमारी जो जरूरत है वो कन्विंसिंग हो जाए तो मेरा काम बन जाए, ये मेरा आपसे मिलन हो जाए, है क्योंकि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँगा मैं आपसे क्यों मिलूंगा, बिल्कुल ठीक है है। आपके लिए मैं जो काम क्यों करूंगा, कोई काम करूंगा क्यों देखिए, जब जिसमें मेरा इतना हो। एक तो पहले मैं संशोधन चाहूंगा कि हाँ बोलिए आप बोलिए। मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं, हाँ वही है, सही आप अपने हित सही के लिए काम कर रहे हैं। और नंबर एक, हम हाँ आप में कोई परिवर्तन लाने की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं दोनों बात क्योंकि समझ गया मैं। आपकी आपकी संकीर्ण राजनीतिक सोच है, हम उसको बदल नहीं रहे हैं। नहीं जी आपकी जो है संकीर्ण सांप्रदायिक सोच है, हम उसे बदल नहीं रहे हैं। यदि जी आपकी संकीर्ण धार्मिक सोच है, हम उसे भी नहीं बदल रहे हैं। जी, बिल्कुल सही आपकी संकीर्ण राजनीतिक सोच है, हम उसे भी नहीं बदल रहे हैं। यदि आप जो है अपना ठेकेदार बन के कहीं व्यापारी मंडल, कहीं ये, कहीं जाति, कहीं धर्म के आधार पर कोई आपने ठेकेदारी कोई ग्रुप बना लिया है, हम उसे भी जी प्रभावित नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही तो हाँ अपने लाभ के लिए आप जुड़ जाइए और बिल्कुल बाकी जो सही परिवर्तन है वो अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि हम जब आपका इकोसिस्टम बदल देंगे तो नेगेटिविटी के लिए जगह ही नहीं बचेगी, नहीं आप आप जो चाहेंगे भी बातें नेगेटिव नहीं कर पाएंगे। जी, जो ये आपने तीनों बातें कही, जो चार भी दो भले, ये सारी बातों को ही मैं भी कहता हूँ, मैं ही समझता हूँ कि आप मैं आपके लिए कुछ नहीं करूँगा, आप गलत स्वामी ना रहे कि मैं आपके लिए करने वाला हूँ, मैं जुड़ूंगा तो मैं अपने लिए ही जुड़ूंगा और जो भी कार्य करूंगा अपने लिए करूंगा, और जब तक करूंगा तब तक जब तक मेरे मेरे जीवन में कुछ न कुछ मेरे लिए यूजफुल होगा तभी करूंगा, बिल्कुल ठीक है, अन्यथा मैं बिल्कुल भाग लूंगा 2 मिनट पहले, कभी भी भाग सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है तो भाई। मेरा कार्य है, यही लोग हम लोग कहते हैं अपनी संस्था के द्वारा कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपने हित के लिए कर रहे हैं, और अगर आपको अपना हित चाहिए और हम जो करना चाह रहे हैं जो लोग उसमें आपका हित है तो हमसे जुड़े जुड़ो इतना जुड़ो। बहुत सही, बहुत सही। तो ये मेन मुद्दा है कि आपको अपना हित सोचना आपका काम है, कैसे करना आप जानो, हम ऐसा कर रहे हैं और ये लक्ष्य हमारा है, ये लक्ष्य आपका भी, तो हम लोग मिल करेंगे, अकेले कर नहीं पाएंगे, हम तो हम अकेले कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम आपको चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ और हम सब मिल करके वो काम कर लें, उसका हिस्सा आप अपना ले लो हम अपना ले लें, इसी होते हैं सहयोग सहभागिता तो और इसमें जो कोऑपरेटिव। मॉडल है वो अलग है। इसमें मॉडल ये है कि आप पब्लिक के पास मत जाइए, आप अपने लोगों के पास जाइए जिनसे आप बरसों से जुड़े हुए हैं। तो आपको अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों में, जिन संस्थाओं में आप जुड़े रहे हैं, उनके 10-10 ऊर्जावान लोगों को जो है आपको पहचानना है और 9 दिन का संकल्प लेना है। यदि आगे भी करते रहेंगे, चंद्रगुप्त बनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, राइट? नहीं अब हम चंद्रगुप्त बारे में हम नहीं जानते सच्चाई क्या है, इसलिए हम चंद्रगुप्त तो बनना नहीं चाहते, हमें चंद्रगुप्त बनने की कोई इच्छा नहीं है, हमारा इच्छा केवल यही है कि जो अभी आज मेरे मैं अपने बता रहा हूँ मेरी अगर जो मैं क्या चाहता हूँ, आज मैं केवल 5 चीजें चाहता हूँ, बल्कि 5 ही 4 ही चीज चाहता हूँ, जो भी संगठन इसमें काम कर रहा है उसमें हम उसके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो मुझे चाहिए, सभी के लिए समान सरकारी खर्चे में शिक्षा व्यवस्था चाहिए, पहली तो वो इसमें है, वो तो आपने मौलिक पॉइंट। कोई अधिकार बना कोई दिया कोई मेरे। दूसरी बात सरकारी और खर्चे खास करके पर। सरकारी खर्चे पे हमें कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर एक पैसे का बोझ नहीं आएगा और हर व्यक्ति को अवेलेबल होगा जिसके खीसे में पैसे नहीं है। मतलब कहाँ से भी आए क्या मतलब, हम हमारी संपदा, हम देश के ओनर हैं, हम मालिक हैं, हम भी हिस्सेदार हैं, आप कहाँ से भी लाओ, लेकिन सभी लोगों के साथ समता का व्यवहार होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य स्वास्थ्य सुविधाएं ओपन होंगी टू ऑल, कोई भी जाओ करवाओ वही व्यवस्था होगी, राष्ट्रपति हो चाहे नागरिक चपरासी कोई भी हो, सबको उसी से गुजरना पड़ेगा, वही तरीका होगा, अलग नहीं होगा, ये हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट है, ये हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, जब 82 थे तो हमको ये दोनों चीज़ मिलती थी, शिक्षा सरकारी पूरा खर्चा पर, फ्री शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़िया फर्स्ट क्लास, दूसरी दो हो गई, तीसरी हो गई,
जो मैं सफर किया हूं न्याय व्यवस्था से। मैं चाहता हूं कि मेरे घर तक मुझे न्याय मिले और सरकारी खर्च, मतलब मेरे पास पैसा ना हो तो भी मिले। फोन करना है, आप मेरे घर पे मेरी प्रॉब्लम को न्यायिक तरीके से न्याय मिले, जो आप बताए एक महीना में दो, कम समय में न्याय मिलना चाहिए हमको। ये व्यवस्था हमको चाहिए और जो सबके लिए लागू हो, सबको अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि 1 लाख फीस होगी तभी हम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फंडामेंटल राइट ही आपको मिल जा रही है तो नहीं, मिल नहीं जा रही, हमें मिलनी चाहिए पक्का, हमें भरोसा कि मिल जाएगा, संगठन दे देगा, हमें यकीन होना चाहिए। खाली कहानी से नहीं होगा, संविधान तो 70 साल चल रहा है, 76 साल से नहीं मिला हमको, लिखा तो है, हमें लिखने से काम नहीं चलेगा। हमको मालूम महसूस होना चाहिए कि वास्तव में इसमें हम सहयोग देंगे तो मिलेगा। तो तीन बातें हो गई, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय। और चौथा पॉइंट है, हमें चाहते हैं कि रोजगार, सभी लोगों को रोजगार की गारंटी हो, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम वेज रेशियो मिनिमम रखा जाए, मिनिमम वेज रेशियो के साथ में एम्प्लॉयमेंट की गारंटी की जाए। ये हमारा चौथा मुद्दा है। इसके अलावा में हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आप बाकी सब मैनेज कर लेंगे। ये सब चीजें तो आपको इसमें मिल ही रही हैं। अगर ये चारों चीजें आप दे रहे हैं और इसमें हमको तो और लक्ष्य भी दे रहे हैं और तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं और भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो है केमिकल इम्प्योरिटी, नहीं नहीं बस समझ, जो आप कह रहे हैं, जो हमारे डायरेक्टिव क्या कहते हैं फंडामेंटल, हमारे जो क्या ड्यूटीज में दिया हुआ बहुत सारी चीज लोगों करना चाहिए, पानी, पर्यावरण, बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। उन सब चीजों से आप कहीं कहीं लेकर के 21 पॉइंट बनाए होंगे जो हमारे सबके लिए हितकारी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो करिए, हमको कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन हमारे जो मेन मुद्दे हैं, जो चार जो हमारे लिए फंडामेंटल हैं, और पांचवा जो मुद्दा है, जो अंतिम मुद्दा है, कि हम चाहते हैं कि असली प्रतिनिधित्व तो पहुंचा जाए, मतलब इन चारों को पाने के लिए हम भी नेता बन सकें, हमें प्रतिनिधित्व होने का मौका मिले, मतलब हमें अपॉर्चुनिटी हो। ऐसा ना कि मैं करोड़पति हूं, पैसा हो तभी मिलेगा, मैं भी, मुझे भी मौका दिया जाए, चयन कमेटी में मुझे शामिल किया जाए और एक इंडिपेंडेंट कमेटी के द्वारा हमारा उसमें चयन किया जाए कि भाई ये आदमी फिट है या नहीं। ओपन, कम से कम ओपन मीटिंग हो, ओपन चर्चा हो, जहां पर कैंडिडेट का चुनाव किया जाए। अभी फिलहाल जो व्यवस्था रखी गई है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा एक मिनट बोलिए, वर्तमान व्यवस्था में कोई चयन नहीं कर जी, वो तो फेल है। अपनी अपनी क्रिया, अपनी क्रिया, अपने कलापों के आधार पर जो अधिक से अधिक मेहनत कर इन लक्ष्यों के लिए लोगों को जोड़ेगा, वो एक सिंगल आधार बनाया है उसके लिए। क्योंकि एक बार हमारा वो लक्ष्य के प्रति हम कमिटेड हैं तो ज्ञानियों की कमी नहीं है, ज्ञानियों का हम टास्क फोर्स बना लेंगे ना। जैसे आप जो कह रहे हैं, मेरा पर मैं और लोगों से संगठन से जुड़ा और लोगों से मैंने अपनी कंडीशन रखी। मेरी कंडीशन ये है कि अंबेडकर नगर, मान लीजिए एक एक यहाँ पर संसद सीट है, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं और गांव गांव में प्रधान होते हैं और सभासद होते हैं और चेयरमैन होते हैं। इन सब पदों पर 5 सालों में चुनाव होते हैं, हर 5 साल में। तो जिस जिस क्षेत्र का जो दायरा होगा, मान लीजिए ग्राम गांव का दायरा है, तो ग्राम प्रधान के चुनाव के हमारे जितने भी सदस्य आपके कमेटी के, हमारे जो जो संस्था बना रहे हैं, उस संस्था में जो भी सदस्य जुड़े होंगे, किसी भी रूप में कैसे भी जुड़े हों, उनकी मीटिंग की जाएगी और उन मीटिंग में सब सम्मति से चुनाव किया जाएगा। नहीं ली जाएगी केवल एक आधार पर, जिसमें कमिटमेंट की आग जड़ी है, जो जो है ना पागल होके लोगों को जो है ना जोड़ रहा है, लोगों को कन्विंस कर रहा है कि तुमको ये चीज चाहिए, वही हमारा नेता है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी साथी के साथ संगत की कोई व्यू नहीं है। यदि राम बच्चन जी मेहनत करते हैं और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, हर किसी के लिए ओपन है। यदि आप समझते हैं कि आप योग्य हैं, यदि आप में आग जली हुई है हमें महापरिवर्तित भारत लाना है, तो मेहनत करिए ना। जी जी जी, आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। मैथिलीशरण गुप्ता आपका सिलेक्शन नहीं करेंगे, नहीं जो लोग जुड़ गए हैं वो आपका सिलेक्शन करेंगे। लेकिन आप जैसे जब जुगाड़ करोगे, जैसे आप ठीक है, आपने एक स्टेप खत्म किया कि मैथिलीशरण गुप्ता नहीं करेंगे, आपको अपने सदस्य बनाने हैं और जो सदस्य अगर ज्यादा बनाओगे तो आप ही कैंडिडेट मान लिए जाओगे ऑटोमेटिक। ये कहना, ये कहना ना, उसको टाइटल दे दिया चंद्रगुप्त। हाँ, तो जो जो व्यक्ति अपने संसाधनों को, मान लीजिए अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा है, हमारे अंबेडकर नगर के सांसद हैं, इनके चाहने वालों की संख्या लंबी लिस्ट है, इनके ग्रुप हैं,
हमें और ये चाहने वालों से आपको कोई लेना देना नहीं नहीं मान है। ली, सुन लीजिए पहले, अभी नहीं, अभी आपकी एक कंडीशन मिनट, आपकी एक होगी मिनट, मुझे एक मालूम नहीं क्या कंडीशन होगी। सुनो जरा इस बात को, हाँ हमें बोलिए चाहना बोलिए। है उनको चाहने वालों से हमें कोई लेना देना नहीं है। नहीं वो बड़ी टीम बना लेते हैं मान लीजिए नहीं अभी, तो वो अपने आप आ जाएंगे मेरिट लिस्ट में। हाँ वो अपने आप मेरिट लिस्ट आ गए, और इसलिए आए क्योंकि उनके पास संसाधन ऑलरेडी हैं, पैसे संपत्ति है, पैसा खर्च करके अपना टीम बना लेंगे। आप कुछ भी करो, जी जी आप प्रोसेस में हमें मदद कर रहे हो कि ये भारत महापरिवर्तित भारत जो है 21 जी लक्ष्यों के साथ और 5 फंडामेंटल राइट के लिए आप लोगों को जोड़ रहे हैं, तो आपकी हम स्तुति करने के लिए तैयार हैं। आपको लोग अभी तो वोट इसलिए दे रहे हैं कि और कोई च्वाइस नहीं है। आप इसका मतलब मोस्ट अच्छे कमिटमेंट आपका अच्छा ये थोड़ी है, आप लोगों का भला चाह रहे हैं ये थोड़ी है। आप तो लोगों के भले के लिए एक साफ शब्द नहीं बोलते हैं, आप तो पार्टी हाई कमांड से बने हुए घटिया मजबूर आदमी। आज आज आपका सोच और चिंतन कोई बहुत अच्छा थोड़ी है। जी जी जीतने से जो ये भ्रम पैदा किया गया है, सामने वालों के पास च्वाइस नहीं है, आपने दारू बांटा, पैसा बांटा, साड़ी बांटा, और लोगों को लगा कि मोदी जी हमको सुरक्षित रख लेंगे, नहीं तो हमें जाना है, ये दानव लोग ही खा जाएंगे। तो आपको जो भी इंप्रेशन क्रिएट किया उसके तहत आपने जो है ना किसी पार्टी के उसको टिकट दे दिया, तो उसमें जो जो भी एमपी हैं वो तो इंसिडेंटल हैं, वो उनको वोट इसलिए थोड़ी मिलेंगे वो लोकप्रिय। उसके बहुत सारे कंसिडरेशन हो सकते हैं, किसी के दिमाग में भय है कि साथ जो है ना कांग्रेस बहुत दुष्ट है, उसके तुष्टिकरण के लिए हमारा वो कर दिया, यदि हमने कांग्रेस आ गई तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे अंदर क्या कारण है, हमने वोट उनको जरूर दिया होगा लेकिन जरूरी नहीं कि हम उन्हें पसंद कर रहे हैं, और वो पसंद करने लायक उनका हो सकता है ना स्वभाव हो, ना चरित्र हो, ना शिक्षा हो, ना सोच हो, ना चिंतन हो, फिर भी वो लगातार 10 बार जीतेंगे क्योंकि वर्तमान व्यवस्था उनको सपोर्ट कर रही है ना। जी जी तो यहाँ पर वो नहीं चलेगा, आपके खीसे में पैसे हैं इससे काम नहीं चलेगा। नहीं आप तो रुक नहीं पाओगे ना, आप और अगर वो लोग आ गए पैसा संस्थान लगा करके और ग्रुप शुरू करके वो बड़े से ज्यादा कैंडिडेट ला दिए तो वो तो टिकट के हकदार हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, 200 तो फिर उनको रोक नहीं जाएंगे। पाएगा और तो वो अच्छी बात है ना, देखिए जो लोग बाद में आकर के हमारे लिए ना कुछ ना करें तो वो उन्हें करने की जरूरत ही नहीं है। वो काम जो है ना मैथिली शरण गुप्त अपने टास्क फोर्स माध्यम से करा रहे हैं, उनसे पहले पूछ ही नहीं रहे हैं, पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर पब्लिक से पूछ रहे हैं, फिर तीसरे उसमें पूछ रहे हैं, और उनसे भी पब्लिक के उनको हम पब्लिक का मसीहा नहीं मान रहे हैं, आपसे व्यक्तिगत कैपेसिटी में बोल रहे हैं। यदि आप कोई फालतू की बात कहेंगे तो सड़े टमाटर पाएंगे। नहीं इतनी अगर जागरूक जनता हो जाए, सड़े टमाटर देने वाली बात कर रहे हैं, कौन देगा, कौन टमाटर मारेगा, उसकी मारने वाले होने चाहिए। देखिए आप छोड़ दीजिए उस बात को, जी जी जब आप व्यक्तिगत कैपेसिटी में ऐसी बात, अभी तो आप जो है ना पब्लिक को कि हम पब्लिक की बात कर रहे हैं, जब हमने पब्लिक से 45 दिन तक उसकी भावनाओं को कलेक्ट कर लिया है, उसकी शंकाएं कुशंकाएं सलाहों को कर लिया है, अब जो है राम बच्चन जी व्यक्तिगत कैपेसिटी में बात करेंगे राइट, और यदि राम बच्चन जी घटिया बात करेंगे तो जिसको आपकी बात घटिया लगेगी वो सड़ा टमाटर फेंके। जो आप कह रहे हैं ऐसा अगर होता, हाँ, इस तरह से हमारी जनता जागरूक होती टमाटर फेंकने की तो आज समस्या ना आती। आज जो है वो बटी हुई है और ऐसे लोग अभी समाज में नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनो, अभी भी आप गुलाम हैं, अभी भी आपके ऊपर आप स्वतंत्र नहीं हैं, आपका तंत्र अपना है ही नहीं, आप जो है अभी भी गुलामों के तंत्र से बंधे हुए हैं। जो नए 3 कानून आए हैं उसमें आत्मा नहीं बदली है, ये पुरानी ही तंत्र है, इट इज ए ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। जी तो अभी तो आपको अपना शक्ति का एहसास ही नहीं है, आप तो जो है ना 2 जून की रोटी खाने के लिए तरफ रहे हैं जी, आप तो जो है फ्रीबी खाकर दारू पीकर साड़ी पीकर मानव शरीर में मानव रह ही नहीं गए हैं। इन दुष्ट राजनेताओं ने आपको कीड़ा मकूड़ा बना दिया है, मानव शरीर में स्थित कीड़े मकूड़े हैं आप। जी 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 बात समझ रहे ना। तो जब आप जाएंगे और जब ये बात करेंगे तो वो मानव शरीर का जो कीड़ा मकूड़ा है वो हट जाएगा, वो सच में मानव बनेगा और उसको लगेगा कि यार जब हमें ये सब चीजें मिल रही हैं तो भैया तो बहुत अच्छी बात है। जी आप समझ रहे, क्योंकि देखो ये 21 लक्ष्य और इतने के लिए टास्क फोर्स बन के अपना काम काज चालू कर देंगे, उसका जो है ना किसी जो है ना एमपी एमएलए से कोई लेना देना नहीं है। एमपी एमएलए तक तो बात ही नहीं पहुंच रही है, वो तो तीसरे चरण में पहुंचेगी, और जो है पार्लियामेंट के अंदर पार्टी नहीं रहेगी, पार्टी व्हिप नहीं रहेगी, तो हर कोई अपनी बात रखेगा, अभी तो कोई बहस ही नहीं होती है। अभी आप ये बताइए, हमने जो आपको बताया है कि किसी भी फॉरेन पावर के लिए
ये सबसे आसान बात कि वो आपके ऊपर अपने कानून थपवा दे, सामने वाले को जो है ब्राइब कर कर, उसको डरा कर, धमका कर, जिस भाषा को वो समझता है उस भाषा में यदि वो हाई कमांड को कन्विंस कर पाता है, डरा चाहे कुछ भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करे, तो आज की घटिया व्यवस्था में पार्टी व्हिप के साथ जो है ना जो चीज चाहेंगे वो पास हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। चलिए रामबच्चन जी, बहुत लंबी और अच्छी बात हुई, आप विचार करिए। नहीं, इसमें मेरा जो शंका है वो अभी वही वही है, और मैं जो समाज में ढूंढ रहा हूँ समाधान हो गया है, अभी भी बची हुई नहीं, नहीं 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 हुआ है। और जो क्रक्स देखिए, क्या सब बीमारी की जड़ का एक दवा होती है होम्योपैथी। अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा जानकारी होगी आपको, तो होम्योपैथी में बीमारियां हजार होती है, वो दर्द का इधर, लेकिन दवाई एक होती है। अगर गलत दवाई दे दोगे तो इलाज नहीं होगा, कुछ भी करते जाओ इलाज नहीं होगा। डॉक्टर साहब बोले हम सब कर देंगे लेकिन होगा होगा नहीं, क्योंकि इलाज तो गलत दवाई से दिए नहीं। ऐसे ही अगर हम प्रतिनिधि का चुनाव सही तरीके से नहीं भेजे, सही प्रतिनिधि हमारा नहीं गया, तो हम उसको कुछ भी करो वो जाके प्रतिनिधि के द्वारा ही होगा। नान पर कुछ भी कर ले, पब्लिक को मैनेज किया जाता है, पब्लिक को वोटिंग हो जाता है, उनके मैसेज हो जाते हैं और बाद में रिपोर्ट बनकर चली जाएगी अंत में। इस व्यवस्था में प्रतिनिधि सेकेंडरी हो गया है। नहीं, आपके कहने से नहीं हो जाएगा, आप कितना कार्य प्रतिनिधि नहीं हो सकता, वो तो हम उसके बिजनेस रूल बदल देंगे तो क्यों नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए। अब ये संविधान बदलने नहीं जा रहे हो, अभी पहले कांग्रेस से बदलोगे, बिजनेस रूल बदलने से काम बन जाएगा हमारा, बोलने से नहीं होगा ना। पहले जो संविधान चल रहा उसी के तहत आप लड़ोगे चुनाव, और संसद में जाके जब तक संसद में ही बदलेगा, हवन बदलेगा नहीं। 500 यदि हम 100 करोड़ लोगों को कन्विंस करके, और जो कि 9 दिन का काम है, 10-10 लोगों को जोड़ना है। आज मैथिली शरण गुप्त यदि रामबच्चन जैसे 9 व्यक्तियों को कन्विंस करके जोड़ते हैं तो आज हम 10 हो जाएंगे कि नहीं? नहीं, 10 हो जाएंगे बिल्कुल, 11 हो जाएंगे, और नहीं 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 10 ही होना है जी। और ये 10 लोग संकल्पित हैं, शपथ करते हैं 10 लोगों को जोड़ने के लिए आगे 9 दिन तक, तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन कैसे हम मान लें कि वो संकल्पित है, यही तो मेरी समस्या है। कैसे मुझे पता चले, कैसे महसूस हो कि वास्तव में संकल्पित है ये आदमी, मेरी समस्या यहाँ पर समाधान नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, आपको बिल्कुल केवल मेंबर बना देने से मैं उसको महान कैसे मान लूं? देखिए आप समझिए मेरी बात को, एक मिनट में आपको उस बात उस समस्या का समाधान देगा। जी, 140 करोड़ में से आपने 40 करोड़ पहले छोड़ दिए, केवल 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को जो 9वें दिन जोड़ रहे हैं किसी को नहीं जोड़ना है। इसका मतलब है पूरे 140 करोड़ में से 1 करोड़ 30 लाख लोग जो है, चाहे दिखावी तौर पर यदि वो अपने प्रयास करते रहते हैं, हमारे लिए उतना ही पर्याप्त है। चाहे उसका संकल्प और शपथ घटिया हो, अंदर की आत्मा से ना हो, अपने लाभ से जुड़ी हुई हो कि साहब हमें 21 लक्ष और 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे, हमें रोजगार मिल जाएगा, हम सब वृद्ध हो जाएंगे, हमें भोजन मिलेगा, हमें हेल्थ मिलेगी, हमें एजुकेशन मिलेगी, जो भी उसका रीजन हो, 130 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, इनमें से 90 करोड़ लोगों को सिर्फ अपने आप को जोड़ना है, ठीक है ना? तो आपको यदि आप कन्विंस हो गए कि हमें ये सब चीजें मिल जाएंगी और इस तरीके से मिलेंगी और कोई रोक नहीं सकेगा, तो अपने आप को जोड़ने में तो कोई दिक्कत है नहीं कि है? नहीं, अपने आप को जोड़ने की, क्योंकि हम एक वैल्यूएबल एसेट हैं देश के, तो आप अभी एक मिनट, यदि रामबच्चन जी नहीं जोड़ना चाहते हैं जी, तो मैं उन्हें 40 करोड़ में डाल दूंगा। नहीं, आप जहां डालना चाहो, आप कौन होते डालने वाले? नहीं नहीं, आप कुछ भी डालो, रेखा गणित में हमने डाल दिया ना आपको, आप कहीं भी डालिए, आपकी मर्जी है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा रेखा गणित है 140 करोड़ का। अब मानो आप उस मिट्टी के बने हुए जो जुड़ना भी नहीं चाहते हैं और ये भारत नहीं चाहते हैं, आप तो घटिया ही रहना चाहते हैं, तो हमारे लिए हम आपको 40 करोड़ में डाल देंगे। नहीं, आप ये आप अच्छे अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते, आपका जेब का पैसा नहीं जा रहा है, आपका जो है ना कुछ नहीं करना पड़ रहा है, जुलूस नहीं देना पड़ रहा है, धरना नहीं देना पड़ रहा है, कोर्ट कचहरी जाकर आवेदन नहीं लगाना पड़ रहा है, एसपी कलेक्टर मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना पड़ रहा है, जंतर मंतर पर धरना नहीं देना पड़ रहा है, और फिर भी यदि रामबच्चन जी इतने दुष्ट हैं कि अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे दुष्ट प्राणी को जो है ना जो सोचना है सोचता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको अगर किसी की जरूरत नहीं है तो कर लीजिए। नहीं, बात हमको नहीं है,
इन जो जो नहीं, 100 आपको ही तो है, करोड़ आप ही तो कह रहे हैं मैं कर दूंगा, आप ही, आप सब कुछ अपने कर रहे हो ना, खाली कह रहे हैं हम कर देंगे उसको, वहां डाल देंगे उसको, ये कर देंगे। भाई, आप कौन होते आप हो ये करने कह वाले, रहे हु आर हो, यू? आप ये कह रहे हो कि ये अब यदि गलतफहमी कहां से पैदा हो कि मैं जो चाहूं करूंगा, यहां तो आपको मैं सब झलक रहा है, खाली मैं दिखावा बिल्कुल के लिए नहीं कह है, रहे यहाँ हैं। मैं नहीं है, 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट ये है। 23 लक्ष मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे कुछ नहीं, मुझे तो केवल आपको चार ही नहीं चीज चाहिए तो चाहिए, फिर देखिए, आपको पांच चीज यदि मुझे नहीं चाहिए, चाहिए तो उसमें आप आपको फिर बात कॉम्प्रोमाइज पे क्यों जुटने करवा की रहे जरूरत हो? क्या? ये बताइए रामबचन जी, यदि आपको ये जी नहीं चाहिए तो आपको बिल्कुल नहीं जुटना चाहिए, फिर क्यों जुटना जी चाहिए आपको? हमको कई, हमको पांच चीज चाहिए, भाई हम तो आप आपको कई सिर्फ, ले लो, हम तो हमको आपको खाली सिर्फ पांच दे 26 दो। चीजें दे रहे हैं, आपको चाहिए, क्योंकि यदि मान लो हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उसमें आपको हमें फिर भी एक्स्ट्रा बहुत, नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा में वो धोखा, हमें एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, सर सरकारें एक्स्ट्रा दे रही आपको हैं। नहीं चाहिए तो वो आप सोचिए, आपको ये निर्णय लेना है कि जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, जी जी ये बिल्कुल निर्णय सही, आपको लेना है, आप विचार करिए। हम आपके ऊपर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं, हमारा जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपके ऊपर नहीं, जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर आप एक सकते, स्वतंत्र नागरिक हैं, यदि आपको अपना भला दिख रहा है तो जुड़ जाइए, तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत। देखिए, आपने मुझे फोन किया समझने के लिए, हमने आपको समझाने की कोशिश की, अब आपसे 1 घंटे लंबी बात के बावजूद भी यदि उसमें अपना आपको लाभ नहीं दिख रहा है तो रामबचन जी मेरी प्रार्थना है आप बिल्कुल मत जुड़िए। चलिए, धन्यवाद जी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।